चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि अगर आपके पीसी में नोड इंस्टॉल नहीं है तो आपको नोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आपको सीधे क्रोम पे जाना है, आपको लिखना है नोड, और आपको ये फर्स्ट दिख रहा होगा node.js.org, इस वेबसाइट को ओपन कर लेनी है और आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेनी है, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है। जैसे अभी नोड का लेटेस्ट वर्जन है 16.13.0, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। अब जैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे आनी है डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे cmd लिखना है नोड वर्जन वी। तो आपको क्या होगा, जो भी आप नोड का इंस्टॉल किए हैं उसका आपको वर्जन दिखा देगा कि कौन सा वर्जन हमने मेरे पीसी में इंस्टॉल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए क्या काम करना है, आपको एक कमांड लिखना है। तो इसका कमांड है npx create react app, और जो भी आप ऐप का नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं माई टेस्ट दे देता हूँ, और जैसे आप इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। ये देखिए फ्रेंड, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब ये काफ़ी टाइम लेता है, और शायद मैंने कमांड में कुछ गलत कर दिया है, npx create app my test। देखिए फ्रेंड, अब ये आपका ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो ये काफ़ी टाइम लेता है, 5 से 7 मिनट का। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको, सेलेक्ट आपके, और यहाँ पे cmd लिखना है, और लिखना है npm, एंटर कर देना है, npm स्टार्ट लिखनी है। ये कुछ आपको टाइम लेगा, ये आपका देखिए डेवलपमेंट सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये स्टार्ट ही हो रहा है, इसलिए आपका लोडिंग हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड, आपको जैसे इंस्टॉल होगा आप और npm में स्टार्ट लिखेंगे तो ये आपको इस तरीके से UI दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।